ये दोनों टियान सर के लिए गिफ्ट चुन रहे थे, पर कुछ भी ठीक ठाक नहीं लग रहा था। ऐसे में मान को ही आती है इनसे बात करने। फिर मान को ही इन्हें आइडिया देती है, सर को जैसे पेंटिंग करना पसंद है तो उन्हें पेंटिंग जैसा ही कुछ गिफ्ट देना चाहिए। और ये आइडिया शिया को भी बहुत पसंद आता है। बातों ही बातों में शिया मान को ही को शाम की पार्टी में इन्वाइट करती है। नेंग इशारे से शिया को ऐसा करने से मना करती है, पर शिया को उस तरफ कोई ध्यान नहीं होता। मतलब शिया को इतनी चालाकी नहीं आती थी, वो मान को ही एक सीधी साधी लड़की ही समझ रही थी। मान को ही जब पार्टी में जाने से थोड़ा इतरा रही होती है, तब मिंग फटाक से शिया को समझाने लगती है, उसे इतना जोर डालने की क्या जरूरत है, मान को ही का जरूर कोई काम रहा होगा, वो शायद नहीं आ पाएगी, वो उसे जाने दे। मौका हाथ से जाते हुए देख मान को ही पार्टी में जाने के लिए हाँ कह देती है। मान को ही के जाने के बाद मिंग शिया को समझाती है कि उसे पता है कि वो बाहर से ही इतनी सख्त दिखती है, पर अंदर से वो बहुत ही सॉफ्ट है। पर मानकुई को लेके उसे इतना काइंड नहीं होना चाहिए। मेंग को मानकुई पे शुरू से ही डाउट था, इसीलिए वो शिया को बार बार सावधान कर रही थी। शिया कहती है मानकुई ने उसकी हेल्प की थी, बस इसीलिए वो उसे इनवाइट किया। शिया को लगता था जैसे भी हो, पर मानकुई मोशिन की जितनी बुरी नहीं थी। शाम को पार्टी में सभी आ जाते हैं। मानकुई को देख के हन की मॉम और हन ज्यादा खुश नहीं होते, पर शिया ने इनवाइट किया था उसे, वो लोग भला क्या बोलते। बाद में सभी डिनर टेबल पे आ जाते हैं और एक साथ सभी मिलके चीयर्स करते हैं। शिया सर को ये वाला गिफ्ट देती है तो सर को बहुत पसंद आते हैं। शिया तब बता देती है कि ये आइडिया मानकुई का था। थोड़ी देर बाद चेंजिंग भी बिना इनविटेशन के ही चला आता है और फिर सर को हटा के मिंग को उठा के वो जाके शिया के पास बैठ जाता है। वो तो शिया के लिए बुके भी लेके आया था। हन की मॉम इन्हें बात करने को बोल के मैनेजर से कुछ बात करने आती है। हन की मॉम चेंजिंग के बारे में पूछने पे मैनेजर उसकी असली आइडेंटिटी बताते हैं। वहाँ चेंजिंग शिया के लिए प्रॉन छील रहा था, पर वो जब शिया को ये देने जाता है तब हन उसके हाथ से प्लेट ले लेता है और अपना प्रॉन का प्लेट देके उसे प्रॉन छील देने के लिए कहता है। फिर अपने हाथों से शिया को खाना खिलाते वक्त कहता है शिया को सी फूड से एलर्जी थी, इसलिए उसका ये खाना ही ठीक है, वो उसका वाला छील के दे, वो खा लेगा। चेंजिंग कहता है वो इतना बड़ा हो चुका है, वो खुद नहीं छील सकता क्या। तब हन कहता है उसे उसके हाथों से छीला हुआ प्रॉन खाने हैं। बाद में सभी बाहर आके एंजॉय कर रहे थे। हन के मॉम के दिमाग में बस एक ही बात चलती थी कि किस तरह से अपने बेटे और बहू को एक साथ लाएंगे। वो सबको अपना मनपसंद डांस पार्टनर चूज करके डांस करने की आइडिया देती है। ये आइडिया हन को ज्यादा अच्छा नहीं लगता है तो वो अंदर जाने लगता है, पर वो जब चेंजिंग को शिया को डांस के लिए ऑफर करते हुए देखता है तब तो वो चेंजिंग को हटा के खुद शिया के साथ डांस करना चाहता है। उसके बाद फिर से दोनों बच्चों की तरह लड़ने लगते हैं। लड़ना वरना हो जाता है तो हन शिया के साथ डांस करने लगता है। शिया बहुत अच्छी डांस कर रही थी, हन को अपनी टीचिंग पे गर्व होने लगता है। वह टियान सर मिस मारिया को डांस का ऑफर कर ही रहे थे, पर ऐसे में एक विदेशी लड़की आके टियान सर पे छलांग मार के उसे हग करने लगती है। सभी ये देख के हैरान होने लगते हैं और मिस मारिया का मूड ऑफ हो जाता है। ये लड़की खुद को टियान सर की होने वाली पत्नी बताती है, पर टियान सर का एक्सप्रेशन देख के लग रहा था वो इससे बिल्कुल भी शादी नहीं करना चाहते थे। ये जबरदस्ती टियान सर को बांध के रखी थी, मिस मारिया से और लिया नहीं जा रहा था, इसलिए वो जाने लगती है। फिर एक एक करके सभी अपने घर जाने लगते हैं और रह जाते हैं सास बहू और बेटा। अगले सीन में हम देखते हैं शिया हन से पूछती है वो अचानक से उसे ट्रीट क्यों दे रहा है। हन कहता है ये ट्रीट तो वो दे रही है। शिया पूछती है वो क्यों ट्रीट देने लगी भला। हन तब कहता है क्यों, उसने आर्ट्स क्लास में पास किया है, अच्छे मार्क्स लेके आई है, तो उसे नहीं लगता कि उसे ट्रीट देना चाहिए। शिया तब खुशी के साथ ट्रीट देना चाहती है, पर हन जब और एक प्लेट फ्रूट और डिजर्ट मांगता है तब शिया कहती है खाना बहुत एक्सपेंसिव है ना, और एक प्लेट क्यों। हन पूछता है क्यों, उसके पास क्या पैसे नहीं है। शिया कहती है पर वो तो उन्हीं का पैसा है ना, फिर बाद में तो उसे लौटाना भी है उनका पैसा। हन को तब मानकुई की बात याद आने लगती है, वो भी एकदम शिया जैसी बात करती थी। उसे भी हन के फैमिली के पैसे नहीं चाहिए थी और जितना भी वो अपने काम में लगा रही थी उनके पैसे वो वापस लौटा देना चाहती थी। हन को अचानक से यूट्यूब हो जाते देख शिया को समझ में नहीं आ रहा था कि उसे अचानक से हो क्या जाता है कभी कभी। थोड़ी देर बाद मान कोई बड़े उछलते हुए आती है, वो इनके साथ ज्वाइन करना चाहती है तो शिया भी उसे बैठने के लिए कहती है। हन ने जो खाना लिया था वो उसे पहले भी खाता था, इसीलिए मान कोई वो खाना देख के कहती है कुछ कुछ आदतें कभी भी नहीं बदलती। ये
है कि वो कुछ हद तक अपने आप को भी बता रही थी, मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, जितने भी दिन गुजर जाए पर हन का टेस्ट एक ही रहेगा, मतलब हर वक्त वही हन की पसंदीदा रहेगी। तब हन अपना इरिटेशन दिखाते हुए वहाँ से चला जाता है। इतने टाइम से हन का ये इग्नोरेंस मान को इसे और बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तब शिया ही उसे दिलासा देने लगती है। वहाँ फेंग शाओ चेंजिंग को हर पल ऐसे मदद करने लगा था जैसे वो उसका सौतन नहीं उसका भाई हो। हाँ, ये बात अलग थी कि वो किसी और लड़की के साथ रिलेशन में था, पर ये तो सच था ना कि वो शिया के लिए फील करता था और अब भी करता है। पर फिर भी वो शिया को पाने में चेंजिंग को अपनी भाई की तरह मदद कर रहा था। वो चेंजिंग को शिया को लेके कहीं अकेले घूम आने का आइडिया देता है। तब चेंजिंग को अपनी फैमिली विला के बारे में ख्याल आता है। इतना अच्छा आइडिया देने के लिए वो फेंग शाओ की तरफ शुक्रगुजार था। शिया का मूड पहले ही हन की वजह से ऑफ था और ऊपर से चेंजिंग भी आके बार बार उसे परेशान करने लगता है। वो शिया को बार बार उसके साथ विला पे चलने के लिए कहता है। शिया तब इरिटेट होके उसे दो चार बातें सुना देती है तो बेचारा उदास होके वहाँ से चला जाता है। चेंजिंग को इतनी बातें सुनाने के लिए मिंग शिया पे गुस्सा हो जाती है। वो शिया से कहती है वो मानकुई जैसे लड़की की तरफ काइंड हो सकती है, पर जो लोग सच में उसके लिए केयर करते हैं वो उन्हीं को बातें सुनाती है। चेंजिंग हर पल उसे खुश रखने की कोशिश करता है और वो है कि उसे बार बार इग्नोर करती है, जो मन में आए बोलती जाती है। ऐसा कहते हुए मिंग वहाँ से चली जाती है। शिया को तब सच में बुरा फील होने लगती है, उसे गिल्टी फील होने लगती है। चेंजिंग फेंग शाओ के पास आके अपना दुख शेयर कर रहा था। ऐसे में फेंग शाओ के पास शिया का कॉल आता है चेंजिंग के बारे में जानने के लिए, क्योंकि आजकल चेंजिंग ज्यादातर टाइम फेंग शाओ के साथ ही रहता था। फेंग शाओ कहता है चेंजिंग उसके साथ नहीं है। रीजन पूछने पे शिया कहती है वो चेंजिंग के साथ बहुत बुरी तरीके से पेश आई थी, इसलिए वो उससे माफी मांगना चाहती है। बात अपने आप ही बन गई थी और भी अच्छे से सब कुछ होने के लिए फेंग शाओ चेंजिंग को चुप रहने के लिए कहता है, पर चेंजिंग से रहा नहीं जाता और वो बात कर बैठता है। उसके लिए इतना ही काफी था, पर अगले दिन वो जो देखता है उससे उसकी सारी उम्मीद चली जाती है। शिया अपने साथ साथ इन दोनों को भी लेके आई थी। अब जब ये आ ही गए थे तो चेंजिंग भी भला कैसे मना करता। शिया पीछे इनके साथ बैठना चाहती थी पर चेंजिंग उसे अपने साथ बिठाता है। ये चारों जब मस्ती करते हुए विला पहुँच है तब दूर से मोशी निम की फोटो ले रही होती है और फिर एक मसालेदार कैप्शन लगा के वो फोटो स्कूल ग्रुप में छोड़ देती है। हन जब ग्रुप की कॉन्वर्सेशन देखता है तब वो भी वहाँ पे जाने के लिए गाड़ी निकालने के लिए कहता है। वहाँ विला में बस दो ही रूम थे जिस वजह से चेंजिंग रिसेप्शनिस्ट से आर्ग्यू करने लगता है। थोड़ी देर बाद मोशिन आती है उन्हें टीज करने। चेंजिंग उसे देख के गुस्सा हो जाता है। चेंजिंग जब फिर से रिसेप्शनिस्ट के साथ आर्ग्यू करने जाता है तब शिया इसकी हल निकालती है। शिया कहती है वो मिंग और मानकुई के साथ रूम शेयर कर लेगी। बाद में सभी यहाँ आके बैठ के बात करने लगते हैं। मोशिन भी इन्हीं के पास थोड़ा सा दूर बैठी थी। थोड़ी देर बाद मोशिन हन को आते हुए देखती है। हन सीधे यहाँ आके बैठ जाता है। मोशिन हन को अपने पास बुलाती है पर हन उसके पास क्यों जाता। शिया हन से पूछती है वो यहाँ से कब जाएगा। हन कहता है क्यों, क्या वो नहीं चाहती कि वो यहाँ पे रहे। शिया कहती है वैसी कोई बात नहीं है, एक्चुअली यहाँ पे रूम की क्राइसिस है तो उसके रहने की कोई जगह नहीं है। अगर वो अभी नहीं लौटा तो उसे पहुँचते पहुँचते बहुत देर हो जाएगी जो कि उसके लिए सेफ नहीं होगा। चेंजिंग भी तो यही चाहता था इसलिए वो भी शिया के हाँ में हाँ मिलाते हुए उसे जाने के लिए कहता है। तब हन कहता है ठीक है कोई बात नहीं, वो शिया के कमरे में रह लेगा। तब चेंजिंग को प्रॉब्लम होने लगती है और वो हन को अपने रूम में रहने का ऑफर देता है। हन को भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, वो भी राजी हो जाता है। वहाँ हन की मॉम को लग रहा था उनके बेटे और बहू एक साथ टाइम स्पेंड करने गए हैं, पर उन्हें मैनेजर से पता चलता है शिया और हन अकेले नहीं है बल्कि उनके साथ और भी कोई है। रात में सोते वक्त दोनों के बीच बिस्तर पे कौन सोएगा इसको लेके बहस चलने लगती है। दोनों को ही अकेले सोने की आदत थी और दोनों को ही बिस्तर चाहिए थी। चेंजिंग बीच में तकिया रखता है दोनों के सोने के लिए, पर हन को उससे क्या था, उसे तो अकेले ही सोना था इस पूरे बिस्तर पे। हन चेंजिंग को सोफे पे जाके सोने के लिए कहता है, पर चेंजिंग को भी बिस्तर पे ही सोना था। वो जब तक मार्शल आर्ट्स दिखाते हुए हन को उठाने जाता है तब तक हन ऑलरेडी सो चुका होता है। फिर तो उसे उठाना नामुमकिन था, इसलिए बेचारा हन के पास ही थोड़ी सी जगह में ही सो पड़ता है।
है। रात में चेंजिंग पीछे से हवा निकालने लगता है। हन उसे ठीक से सोने के लिए कहता है, पर वो तो हन के ऊपर ही पैर रख के सोने लगता है। अब ऐसे में उसे नींद तो आने नहीं वाले थे, इसलिए विजया कमरे से ही चला जाता है। बाहर आके वो शिया को भी यहाँ पे खड़े रहते देखता है। दोनों के बीच अच्छी खासी बात चल रही थी, पर ऐसे में शिया मानगुई की बात उठा लेती है। वो हन को उसे इग्नोर करने से मना करती है। शिया कहती है, और कुछ ना हो पर कम से कम वो उसके साथ दोस्ती तो रख ही सकता है ना। इस बात से हन को आ जाता है गुस्सा। वो कहता है, वो इतनी हार्टलेस कैसे हो सकती है, क्या उसे उसका दर्द दिखाई नहीं देता। शिया कहती है, वो तो इसे उसी के लिए कर रही है, उसकी हेल्प कर रही है, उसे अपने आप से पहचान करवा रही है। आज वो अपने ईगो की वजह से मानकुई को इग्नोर कर रहा है, पर कल जाके उसे इस बात के लिए गिल्टी फील होगी। हन को शिया की ये सब बातें बेकार सी लगती है, इसलिए वो चला जाता है। अगले दिन सुबह सुबह बारबेक्यू बनाने की तैयारी चल रही होती है। चिंगचिंग को अकेले काम करते हुए देख बाकी तीनों लड़की भी उसकी मदद करने चले आते हैं। सबको काम करते देख हन भी उनकी मदद करने चला आता है। चिंगचिंग हन की मदद करना चाहता था, पर हन इरिटेट होकर चिंगचिंग को ऐसे धक्का मारता है जिससे गलती से चिंगचिंग के हाथों में चोट लग जाती है। ये दोनों चिंगचिंग के लिए परेशान होने लगती है। गलती करने के बाद भी हन को ऐसे चुपचाप रहते देख शिया को गुस्सा आ जाता है। शिया गुस्से के साथ कहती है, गलती करने के बाद भी उससे माफी नहीं मांगी जाती, क्या समझता क्या है वो अपने आप को। हन को भी बहुत गुस्सा आ जाता है, उसे चिंगचिंग से माफी नहीं मांगनी थी। वो वहाँ से चला जाता है। तब मान कोई भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है उससे बात करने। बाद में मेंग शिया को फिर से समझाने लगती है। वो कहती है, क्या उसे अभी भी लगता है कि मान कोई अच्छे इरादे से उसके साथ दोस्ती करने आई थी, उसका कोई गलत इंटेंशन नहीं था। वो कब अपना भला सोचेगी। अगर वो हन को पसंद करती है तो वो उसे खुल के क्यों नहीं बताती। अगर नहीं तो उसके आस पास जो है जो उसे पसंद करते हैं वो उन्हें क्यों कंसिडर नहीं करती। इस बात से शिया मेंग पे भड़क उठती है।